यूपी के उन्नाव में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रही डबल डेकर वॉल्वो बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। जानकारों की माने तो बस में करीब 50 यात्री सवार थे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस से यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दर्दनाक हादसे में 12 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। बता दें कि प्राइवेट डबल डेकर बस सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रही थी। ये हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जिस वक्त बस में मौजूद सभी यात्री सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये घटना गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के करमी बिजलामऊ गांव के पास की है।